भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुखी रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैत्री नवरात्रि में 6 राशि वालों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है। इन 6 राशि वालों की लॉटरी लग सकती है। ये 6 राशि वाले मालामाल हो सकते हैं। तो ये 6 राशियां कौन सी है, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंच सकेगी। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चारों ही नवरात्रियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है, लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। वर्ष की जो सबसे बड़ी नवरात्रि होती है वो चैत्री नवरात्रि होती है, और इसी दिन से हमारा भारतीय नववर्ष आरंभ होता है। विक्रम संवत 2079 इसी दिन से आरंभ होगा, और चैत्री नवरात्रि का आरंभ इस बार 2 अप्रैल 2022 शनिवार से होकर के 10 अप्रैल 2022 रविवार तक रहेगी। पूरे 9 दिन की इस बार चैत्री नवरात्रि होने वाली है, और चैत्री नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी, साधना की जाएगी। भगवती जगदम्बा, पराम्बा आदि शक्ति का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है, जिसे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहा जाता है, उनकी आराधना इस नवरात्रि में की जाती है तथा उनके 9 स्वरूपों की विशेष पूजा की जाती है। महाकाली देवी जो कि शत्रुओं का विनाश करती है, रोगों का शमन करती है, तथा महालक्ष्मी देवी जो कि जीवन में धन धान्य वैभव तथा सुख शांति समृद्धि प्रदान करती है। इसी तरह माता महासरस्वती देवी जो कि विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से इन 3 देवियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तथा इनके जो 9 स्वरूप है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। इस प्रकार 9 देवियों की विशेष पूजा और आराधना नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है तथा दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है, तथा तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का पूजन किया जाता है, चौथे दिन माता कुष्मांडा का पूजन अर्चन होता है, एवं पांचवें दिन स्कंद माता देवी का पूजन अर्चन होता है, तथा छठे दिन कात्यायनी देवी का पूजन होता है, सातवें दिन माता कालरात्रि की आराधना की जाती है, तथा आठवें दिन माता महागौरी की विशेष पूजा की जाती है, और नौवें दिन समस्त सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया जाता है। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो परम सिद्धिदायक दिन होते हैं, और इन 9 दिनों में मंत्र जाप सिद्ध किया जा सकता है। यदि कोई भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन बगैर गुरु दीक्षा लिए कोई भी मंत्र जाप करना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के दौरान करना चाहिए, लेकिन गुरु मुख यदि आपने श्री दुर्गा सप्तशती नहीं की है, यानी गुरु के मुखारविंद से आपने दुर्गा सप्तशती नहीं सीखी है या नहीं पढ़ी है, तो आपको पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से ही पाठ करवाना चाहिए। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों में आप जो भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम करेंगे वह आपके जीवन के लिए उन्नतिदायक रहेंगे, समृद्धिदायक रहेंगे।
9 दिन और 9 रात्रि परम सिद्धिदायक मानी जाती है। 2 अप्रैल 2022 शनिवार को माता की आराधना करने के पूर्व घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। इस बार घट स्थापना का जो मुहूर्त है 2 अप्रैल 2022 शनिवार को सुबह पहला मुहूर्त 7:30 बजे से आरंभ होगा, जो कि 9 बजे तक रहेगा, तथा दूसरा मुहूर्त दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर के 4:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद तीसरा मुहूर्त शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा, तथा चौथा और अंतिम मुहूर्त रात्रि 9 बजे से आरंभ होकर के 1:30 मध्य रात्रि तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार घट स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए अपने घर के पूर्व ईशान या उत्तर में अच्छी प्रकार से पोछा लगा करके, या फिर कच्ची जमीन है तो गोबर से लीप करके गोमूत्र गंगा जल छिड़क करके वहां पर एक रंगोली का चौक बनाएं, तथा उसके ऊपर एक चौकी या पटे की स्थापना करें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, तथा मध्य भाग में देवी जगदम्बा का एक चित्र स्थापित करें, तथा उनके सीधे हाथ की तरफ चावल या गेहूं की ढेरी रख करके उसके ऊपर तांबे का लोटा रखे, उसके ऊपर आम के पत्ते रख देवे, नारियल रख देवे, उससे एक मौली बांध देवे, और माता को जो है जवारे की स्थापना भी की जाती है, खप्पर में जवारा भी आप स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह अखंड ज्योति की स्थापना की जाती है। अखंड ज्योति आप तेल की लगा सकते हैं, घी की भी लगा सकते हैं, या दोनों ही ज्योति आप प्रज्वलित कर सकते हैं। सीधे हाथ की तरफ घी की ज्योति प्रज्वलित की जाती है, वहीं उल्टे हाथ की तरफ तेल की ज्योति आप प्रज्वलित करें। नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन अपने घर परिवार और कुल की देवी का विशेष पूजन अर्चन होता है। सभी कुल की एक एक देवियां होती है और सभी को अपनी कुल देवी के विषय में ज्ञात होता है, और यदि किसी को नहीं भी ज्ञात है तो आप देवी दुर्गा को अपनी कुल देवी मान करके दुर्गा अष्टमी के दिन उनका पूजन अवश्य करें। और कुल देवी का इस बार जो पूजन होगा वो 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी के दिन कुल देवी का पूजन होगा। सभी को अपनी अपनी कुल देवियों का पूजन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आपके परिवार पर देवी दोष लग जाएगा। इस बार चैत्री नवरात्रि में ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है और यह संयोग कई वर्षों के बाद में निर्मित हो रहा है। इस संयोग के कारण 6 राशि वालों को सबसे अधिक फायदा होगा। इन 6 राशि वालों को अचानक धन लाभ प्राप्त होने का योग है। स्थायी संपत्ति भी इनको मिल सकती है या फिर इनकी लॉटरी लग सकती है। अचानक धन इनको प्राप्त होने के सु अवसर प्राप्त होने वाले हैं। रुका हुआ धन इनको मिल सकता है। इसके अलावा अचानक अनायास कहीं से इनको अदृश्य या फिर ऐसा धन प्राप्त होगा जिसके बारे में पहले से इनको पता भी नहीं था। तो ये 6 राशि कौन सी है, उसमें सबसे पहली जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए चैत्री नवरात्रि काफी शुभ साबित होगी। यदि आप मेष राशि के हैं और पूरे मन से देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो खुशी और विशेष आशीर्वाद के लिए आप तैयार रहें। इस दौरान आपको सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। आपने पूर्व में जो भी काम किए होंगे, जो भी मेहनत की होगी, उसके अपेक्षित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको यात्रा का भी योग बनेगा और जो यात्रा आप करेंगे उससे भी आपको अच्छा फायदा होने का योग है। कहीं से अचानक आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, आपकी लॉटरी लग सकती है, अनायास कोई व्यक्ति आपको धन देने आ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद अगली और दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चैत्र मास की यह नवरात्रि खुशियां लेकर के आ रही है। इस राशि के लोग प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है या इंटरव्यू दिया है तो वहां से उनको सकारात्मक समाचार प्राप्त होने का योग है, तथा भाग्य आपका साथ देगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। पूर्व में जो भी समस्याएं आपकी चली आ रही है उनका समाधान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।
और ऑफिस में भी आपको आय प्राप्ति के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में या कर्मचारियों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे होने का योग बन रहा है। इसके पश्चात अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह नवरात्रि काफी शुभ और लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। इस दौरान आपको वित्तीय वृद्धि देखने को मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन प्रचुर मात्रा के पास आपके पास आने वाला है। व्यवसाय में से यदि आप जुड़े हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगा। कहीं से आपको अचानक और अदृश्य तरीके से धन लाभ होने का योग है। आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है उनको धन से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त होने का योग है। कोई अप्रत्याशित लाभ आपको अचानक मिलने वाला है और यात्रा से भी धन लाभ होने वाला है। जो कोई पुराना व्यक्ति यदि आपका परिचित है और वो विदेश में निवास करता है तो उसके माध्यम से कुछ न कुछ धन लाभ होने का योग है। लंबे समय से यदि आपको कोई बीमारी चल रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और विदेश यात्रा का भी आपका योग बन रहा है। बहुत दिनों से आप विदेश जाने का सोच रहे हैं लेकिन आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो इस दौरान आपको विदेश यात्रा से संबंधित कोई भी शुभ समाचार प्राप्त होने का योग है तथा आपको अपने कार्यस्थल पर उन्नति होगी, प्रगति होगी और पदोन्नति का भी योग बन रहा है। इस तरह आपको कई प्रकार के लाभ मिलने का इस दौरान योग बनेगा। इसके पश्चात अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को इस चैत्री नवरात्रि में आय के बेहतर स्रोत निर्मित होंगे, यानी एक से अधिक आमदनी के सोर्स उनके तैयार हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामलों में इस नवरात्रि में उनको विशेष सौगात मिलने का योग है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के एक से अधिक कई अवसर उनको मिल सकते हैं तथा घर परिवार से भी उनको फायदा होगा। भाई बंधुओं के माध्यम से उनको अचानक लाभ मिल सकता है और यह नवरात्रि कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए भी अत्यंत शुभ साबित होगी। इसके पश्चात अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह नवरात्रि अत्यंत शुभ साबित होगी, यानी धन लाभ के साथ साथ आपको इस दौरान नए वाहन प्राप्त होने का भी योग है। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको फायदा हो सकता है। संतान की स्थिति में सुधार होगा। संतान संबंधी जो भी समस्याएं आपकी चली आ रही है उसमें भी सुधार होगा। आर्थिक रूप से आपको प्रचुर फायदा होने का योग है, यानी अच्छी सफलता आपको मिलने का योग है। आपके लिए धन कमाने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। इस दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके जीवन में प्रत्येक दिशाओं से खुशियां ही खुशियां आने वाली है और परिवार में नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्ति के भी उत्तम अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। और आप व्यापार में हैं, आपका धंधा अच्छा नहीं चल पा रहा है तो आपको इस दौरान कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होंगे या फिर कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होगी जिससे आपका धंधा अच्छा चलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपका बैंक बैलेंस भी इस दौरान बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए भी यह चैत्री नवरात्रि अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध होगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप चैत्री नवरात्रि में अपनी ओर से पूजन पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, कन्या भोजन करवाना चाहते हैं या फिर आप देवी आराधना करवाना चाहते हैं या कोई भी पूजन पाठ संबंधी कार्य हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके चैत्री नवरात्रि का महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।